केरियाला पंजाब की मौबने खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट के भरे बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खफा होकर चली गई, कहा बात आराम से भी की जा सकती थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इंतजामी अफसर से तजहीका में सलूक की मुसम्मत। हल खराब क्यों है? मुआवने खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान असिस्टेंट कमिश्नर पर फट पड़ी। आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास सूट है यहाँ से उठवाएं, आपकी पर्मिशन चाहिए ना केयर टेकर, मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना। सियालकोट में रमजान बाजार में कोरोना SOPs और नाकिस इकदामात पर फिरदौस आशिक अवान ने ड्यूटी पर मौजूद खातून असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिला दी। असिस्टेंट कमिश्नर कहती रह गई बात आराम से भी हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर ने याद कराया रश है, जिस पर मामले खसूसी ने कहा रश सब के लिए है, आप आसमान से उतरी हुई है। मामले खसूसी की डांट जारी थी कि असिस्टेंट कमिश्नर शुक्रिया कहकर वहाँ से चली गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम यहाँ दिन भर ख्वार होते हैं, कोई फल गर्मी से खराब हो गया तो गलती भी हो सकती है। यहाँ पे सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ मैडम, बस ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, को विजिट कंप्लीट करने दे, फिर हम निकलते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने वाकई पर रद्दअमल देते हुए कहा कि रमजान बाजार में इंतजामी अफसर से गैर मुअज्जब बर्ताव की मुजम्मत करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामी अफसरान गर्मी वबा में फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि सरकारी अफसर या अमले से गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करना काबिले मुजम्मत है, किसी को ये जेब नहीं देता वो अफसरान की तजलील करे। वाकई के हवाले से तहफ्फुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं।